बच्चों आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से जादुई गुड्डा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम जादुई गुड्डा इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों रिंकू नाम का एक आलसी लड़का था जिसे हर किसी से रोज डांट पड़ती थी। अपने आलस के कारण वह न तो पार्क में घूमने जाता, न पार्क में खेलने जाता और न ही अपना गृह कार्य करता। रिंकू की माँ कार्यालय में कार्य करती थी जिससे रिंकू को घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बच्चों अपने इसी आलस के कारण एक दिन रिंकू स्कूल बस नहीं पकड़ पाता है और उस दिन ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल भी रहती है। बच्चों उस दिन रिंकू पैदल स्कूल जाता है। स्कूल जाते समय रास्ते में उसे क्या दिखाई देता है बच्चों? एक पुरानी हवेली दिखाई देती है जिसे तोड़ा जा रहा था। जैसे ही रिंकू हवेली के पास पहुंचा, उसका ध्यान एक विचित्र से गुड्डे पर पड़ा जिसका एक पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। रिंकू ने उसके पैर पर से पत्थर हटाकर उसकी मदद की जिससे दोनों दोस्त बन गए। गुड्डे का क्या नाम था बच्चों? गुड्डे का नाम चिंकू था। चिंकू रिंकू का गृह कार्य पूरा करने में उसकी मदद करने लगा। इसके अलावा भी बच्चों चिंकू रिंकू की हर तरफ से सहायता करता था। बच्चों यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे की कहानी हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुँचा सकता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मैं जब कहूँ तब खोलना। रिंकू ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल में पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। रिंकू ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कक्षा में खिलौने गुड्डे गुड़िया लेकर जाना मना है, रिंकू ने कहा। तो बच्चों मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। रिंकू को देर हो रही थी स्कूल पहुंचने में, तो रिंकू बोलता, अरे सिर्फ थोड़े ही समय बचे हैं, मैं स्कूल अब कैसे पहुंचूंगा। तो चिंकू बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुंचा सकता हूँ। क्षण भर में अर्थात बच्चों पल भर में। अपनी आँखें बंद करो और मैं जब कहूँ थप खोलना। रिंकू को चिंकू बोलता है, अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगा तब खोलना। रिंकू ने वैसा ही किया और आंखें खोलने पर स्वयं को स्कूल में पाया। चिंकू ने रिंकू को जैसा कहा बच्चों रिंकू ने वैसा ही किया और जब आंखें खोला उसने तो उसने स्वयं को अर्थात अपने आप को कहाँ पाया? स्कूल में पाया। चिंकू अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। चिंकू कहाँ बैठा था? रिंकू के कंधे पर बैठा हुआ था। बच्चों चिंकू अभी भी रिंकू के कंधे पर बैठा हुआ था। रिंकू ने जैसे ही उसे अपने कंधे से उतारने की सोची, चिंकू कहाँ पहुँच गया था? स्कूल पहुँच गया था। इसलिए रिंकू डरने लगा कि कहीं किसी ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। इसलिए रिंकू ने चिंकू को अपने कंधे से उतारने की सोची। वैसे ही चिंकू बोला, घबराओ नहीं मेरे दोस्त। चिंकू क्या बोला? घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें मेरे कारण कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुम डरो नहीं, घबराओ अर्थात डरो नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो रिंकू क्या बोलता है, लेकिन कक्षा में खिलौने गुड्डे गुड़िया लेकर जाना मना है, रिंकू ने कहा। मना रहता है ना बच्चों, खिलौने लेकर जाना मना रहता है, गुड्डे गुड़िया। तो रिंकू बोलता है, कक्षा में मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता हूँ, इसलिए मैं डर रहा हूँ। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं।
कठिन शब्द स्वयं खुद अपने आप। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चिंता मत करो मैं किसी और को दिखाई ही नहीं दूंगा, गुड्डे ने कहा। तुम तो कमाल के हो, रिंकू उछलता हुआ बोला। स्कूल में रिंकू का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज उसे किसी भी टीचर से डांट नहीं सुननी पड़ी। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। घर वापस आकर रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मुझे रोजाना की तरह इधर उधर फेंके। चिंकू बोला, अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन यह क्या, तुमने अपने कपड़े और जूते मुझे अपनी जगह पर न रख कर इसे गंदा कर दिया। चिंता मत करो मैं किसी और को दिखा ही नहीं दूंगा, रिंकू डरने लगा। स्कूल पहुंच चुका था ना बच्चों, इसलिए वह डरने लगा। तो गुड्डे ने कहा, चिंकू ने रिंकू से कहा, चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी और को दिखा ही नहीं दूंगा, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। तुम तो कमाल के हो, रिंकू उछलता हुआ बोला। किसने बोला बच्चों? रिंकू ने चिंकू से कहा, तुम तो कमाल के हो। स्कूल में रिंकू का दिन बहुत अच्छा गुजरा। उस दिन रिंकू का दिन स्कूल में बहुत अच्छा गया। आज उसे किसी भी टीचर से डांट नहीं सुननी पड़ी। उस दिन रिंकू को किसी टीचर से स्कूल में डांट नहीं पड़ी। गणित का टेस्ट था उस दिन, गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ। 100% अर्थात बच्चों पूरा का पूरा, 100% पूरा का पूरा सही हुआ। घर वापस आकर रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मुझे रोजाना की तरह इधर उधर फेंके। रोजाना अर्थात बच्चों जैसा वह रोज करता था। घर जैसे ही वह पहुंचा, रिंकू ने अपना स्कूल यूनिफॉर्म एक जगह फेंका, बैग एक जगह फेंका और जूते मुझे सब अलग अलग जगह पर उसने फेंक दिए पूरे घर में। तो चिंकू बोला, अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा। चिंकू रिंकू से बोलता है, अरे यह क्या, कितना अच्छा घर है तुम्हारा, लेकिन यह क्या, तुमने अपने कपड़े और जूते मुझे अपनी जगह पर न रख कर इस घर को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द 100%, 100%, पूरा का पूरा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चलो पहले इन सबको ढंग से अपनी जगह पर रखो, वरना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा और न ही तुम्हारी कोई मदद करूंगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी इन्हें ठीक जगह पर रखता हूँ। फिर रिंकू ने अपनी सभी चीजें जगह पर रख दी। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, चिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंकू को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा। जैसे ही रिंकू घर पहुंचा, रिंकू ने अपना बैग, यूनिफॉर्म, जूते मुझे सब अलग अलग जगह पर फेंक कर घर को गंदा कर दिया। तो चिंकू बोला कि तुम्हारा घर तो इतना अच्छा है, पर तुमने अपनी चीज़ें सही जगह पर न रख कर घर को गंदा कर दिया है। चलो पहले इन्हें सही जगह पर रखो। चिंकू क्या बोलता है रिंकू से, चलो पहले इन सबको ढंग से अपनी जगह पर रखो, वरना मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। चिंकू ने रिंकू से कहा, अगर तुम इनको सही जगह पर, सही स्थान पर नहीं रखोगे तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करूँगा, न तुम्हारी कोई सहायता करूँगा और ना ही मैं तुमसे कोई दोस्ती करूँगा, न अपनी दोस्ती रखूँगा न तो तुम्हारी कोई मदद करूँगा। तो रिंकू बोलता है, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, रिंकू चिंकू से कहता है, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी इन्हें ठीक जगह पर रखता हूँ, रुको मैं इन्हें सही जगह पर रखता हूँ, चिंकू को रिंकू ने कहा। फिर रिंकू ने अपनी सभी चीजें जगह पर रख दी। रिंकू ने क्या किया, अपना सभी सामान, बैग, यूनिफॉर्म,
जूते मुझे सब सही स्थान पर रख दिया। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, चिंकू ने रिंकू से कहा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ सुथरा लग रहा है तुम्हारा घर, चिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। रिंकू को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा। चिंकू ने भी घर की तारीफ की कि कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर अब, और रिंकू को भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगा। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देखते हैं। जगह स्थान, आगे बढ़ेंगे बच्चों। और वह खुशी से बोला, हाँ हाँ अब से मैं हमेशा हर चीज सही जगह पर रखूंगा, तुम मेरे साथ खाना खाओगे ना? रिंकू ने चिंकू से पूछा। नहीं मैं तुम लोगों का खाना नहीं खा सकता, लेकिन, और वह खुशी से बोला। रिंकू ने जब अपना सब सामान सही जगह पर रख दिया तो उसे भी अपना कमरा साफ सुथरा देखकर अच्छा लगने लगा, और वह खुशी से बोला, हाँ हाँ अब से मैं हमेशा हर चीज सही जगह पर रखूंगा। रिंकू ने चिंकू से कहा, हाँ हाँ अब से मैं हमेशा हर चीज सही स्थान पर रखूंगा, तुम मेरे साथ खाना खाओगे? रिंकू ने चिंकू से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? रिंकू ने चिंकू से पूछा। नहीं, चिंकू ने रिंकू को क्या कहा? नहीं मैं तुम लोगों का खाना नहीं खा सकता हूँ। चिंकू ने कहा रिंकू से कि मैं तुम लोगों का खाना खा ही नहीं सकता, लेकिन, इसके कठिन शब्द देखेंगे बच्चों। हमेशा, सदा, सदैव, हरदम। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। खाना खाने से पहले तुम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ जरूर कर लेना। हाँ मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं तो कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही रिंकू ने चिंकू से कहा कि चलो मेरे साथ खाना खा लो, तो चिंकू ने कहा कि मैं तुम्हारा खाना खा ही नहीं सकता। तो चिंकू ने कहा कि पहले खाना खाने से पहले तुम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ जरूर कर लेना। चिंकू ने रिंकू से कहा कि तुम अपने हाथ पहले साफ जरूर कर लेना साबुन से। तो रिंकू बोलता है चिंकू से, हाँ मेरी माँ भी यही कहती है। रिंकू चिंकू से क्या कहता है? हाँ मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं तो कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ, मेरी माँ कहती है पर मैं उनकी बातों को नहीं ध्यान देता, मैं तो कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चाहे हाथ साफ करके खाऊं, चाहे वैसे ही खा लूं, क्या फर्क पड़ता है? रिंकू ने चिंकू से कहा। किससे कहा बच्चों? चिंकू से कहा कि हाँ मेरी माँ भी कहती है कि हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी ही हाथ साफ करके खाना खाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चाहे जैसे भी खाना खाया जाए। चलिए बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जरूर, अवश्य। तो बच्चों जादुई गुड्डा इस पाठ को आज यहाँ पर जितना समझाया गया है, उम्मीद करती हूँ कि वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब इस पाठ के बचे हुए भाग का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद बच्चों।